नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित गहलोत है और प्रोफेशन की बात करें तो मैं एक टीचर हूँ। मैं IIT और नीट को पढ़ाता हूँ और पार्ट टाइम में ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग की ही बात करने के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपसे ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। आज ट्रेडिंग करते करते मेरे मन में आया कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं आप तक भी पहुँचाऊँ। यह तो ट्रेडिंग मैं 3 या 4 साल से कर रहा था, बट लास्ट मार्च से मैं ट्रेडिंग सही मायने में कर रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं पहले ट्रेडिंग करता था तो किसी दोस्त ने बता दिया कि स्टॉक अच्छा है और अच्छा जाने वाला है, या कुछ सीजनल स्टॉक्स हैं जिनको आज अगर मैं उनको देखता हूँ कि किन स्टॉक्स में मैं ट्रेडिंग कर रहा था तो मुझे खुद को हंसी आती है। होता क्या है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है और मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है कि जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम 500, 1000, 1500 के प्रॉफिट में स्टॉक को निकाल लेते हैं, बट हमें जब लॉस होता है तो लॉस को हम इतना दूर तक लंबा खींच लेते हैं कि वो लॉस कई हजार तक भी पहुंच जाता है और हम वेट करते रहते हैं कि कब ये कम बैक करेगा, ये स्टॉक कम बैक करेगा और कब हम इसको निकालेंगे। और होता क्या है, एंड द लास्ट में क्या होता है कि हम उस स्टॉक को माइनस में, लॉस में ही निकाल लेते हैं। तो निखिल सर द एक्सलेंट ट्रेडर ने जो मुझे स्टडीज बताई थी, जैसे प्राइस एक्शन, उन पे काम किया मैंने, और सर ने जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका रिस्क मैनेजमेंट, वो सर ने मुझे बताया कि अगर लॉस होगा तो इतने लॉस में ही आपको निकल जाना है, प्रॉफिट होगा तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो सर ने मुझे बताया, उसके बाद से लॉस मुझे कभी नहीं हुआ। एक दो बार हुआ तो उसी दिन मैंने उसको कवर भी कर लिया। ये मेरा मतलब अच्छे से मेरा एनालिसिस जो सर ने मतलब मेरी जो बोला था कि मैं आपको कोर्स होते होते यानी कि 1 मंथ के अंदर अंदर या 2 मंथ या जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको कभी साथ नहीं छोड़ने वाला, लाइफ टाइम मैं आपके साथ रहूंगा, अगर नहीं भी आता तो भी मैं आपको सारी स्टडीज और इंडिपेंडेंट ट्रेडर आपको बना के रहूंगा। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी निखिल सर की, और किया भी उन्होंने ऐसा। यूं तो मैं आपको अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मेरी पर्सनल मुझे सर से मैंने इतनी सिली चीजें पूछी हैं कि अगर आप पूछोगे तो आप हंसोगे। अगर मैं बताऊं तो कि सर ये कैंडल ग्रीन रेड मतलब सारी चीजें, मैं क्या था पहले के देखता था कि कितना ऊपर कितना नीचे, कैंडल्स को मैंने कभी नहीं देखा था। तो सर को मैप कैसे करना है, कहाँ पे क्या करना है, कौन सी स्टडीज इंडिकेटर्स कैसे लगाने, हाँ मैंने इतनी छोटी छोटी चीजें सर से पूछी हैं। और सर निखिल सर का बिहेव की मैं अगर आपसे बात करूँ तो इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है वो, उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया, छोटी छोटी चीजें एक जैसे भाई को समझाता है, बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है, इस तरह से उन्होंने मुझे समझाया। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी था एक्सलेंट ट्रेडर की। और आपको मैं एक सजेशन दूंगा, आपको भी एक बार द एक्सलेंट ट्रेडर कम्युनिटी ज्वाइन करके एक बार लगेगा कि हाँ लाइफ में हमने कुछ अच्छा किया है जो जिसका रिवार्ड आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो आपको इतना, अगर आप स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी अगर जानते हैं तो इतना कुछ दे सकता है स्टॉक मार्केट आपको, बहुत कुछ दे सकता है। मैं आपको लॉकडाउन की बात बताता हूँ, जिस टाइम पे इतना कंसोलिडेशन चल रहा था मार्केट में, ऑपरेटर्स मार्केट के साथ इस तरह से प्ले कर रहे थे कि मतलब जितने गैम्बलर्स थे, छोटे मोटे ट्रेडर्स थे, जैसे स्वैप आप कर देते हैं इस तरह से पूरा खींच लो पूरा, ऐसा ऑपरेटर ने किया हुआ था। उस टाइम पे भी उनके प्राइस एक्शन स्टडीज, बाकी दूसरी स्टडीज जो भी थी इतने परफेक्टली काम कर रही थी कि जिस टाइम पे जहाँ पे छोटा ट्रेडर फंसता है वहां से अपना काम सर ने बताया कि यहाँ पे तुम्हें ऐसे करना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या कैसे। आज मैं एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर की तरह से मतलब सर को मैं रेयरली कॉल करता हूँ कि सर मुझे मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ और मैं क्या करूँ, और अच्छे खासी अभी मेरी हैप्पी ट्रेडिंग चल रही है। तो मैं आपके निखिल सर के द एक्सलेंट ट्रेडर के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और ट्रेडिंग करते रहिए। और सजेशन है कि आप एक बार द एक्सलेंट ट्रेडर को जरूर बात करें और कम्युनिटी ज्वाइन करें, और आपको लगेगा कि हाँ जितने भी और भी जितने एलिमेंट्री एजुकेशन देते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, मैं नहीं मानता द एक्सलेंट ट्रेडर से अच्छी कोई एलिमेंट्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा सकता है। थैंक यू।